अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज आप देख रहे हैं कि मेरे सामने इस्पगोल पड़ा हुआ है। इस्पगोल को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें, जान लें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आप यकीन करें कि आप इसका इस्तेमाल कभी छोड़ेंगे नहीं। आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे। इस्पगोल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आपको गिनने पर आ जाएँ तो आप कहेंगे कि इतनी अच्छी चीज़ हमने बस इग्नोर करके रखी हुई थी। इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, इसका आप इस्तेमाल करें। यह आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगी। कुछ भाई बहन जो हैं वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जो कहते हैं कि हमें फिर इसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हम ले तो रहे हैं लेकिन हमें इससे जो है कोई खासा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। बताओ भाई, वो लेते ही गलत तरीके से हैं। आपको अगर इसका इस्तेमाल पता चल जाए कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज जिन भाई बहनों को नहीं पता, उनको बता दिया जाए कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिससे उनकी बॉडी जो है वो भी फ्रेश रहे, जिससे उनको जो बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाए। इस्पगोल एक बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियां आने से पहले पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि जो गर्मियों में आपको मसला बनता है, जो गर्मियों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। गर्मियों में ज़्यादातर हमें मैदे का मसला बहुत ही आम है। गर्मियों में मैदे का मसला बहुत बन जाता है। गर्मी में गर्मी की वजह से जो है हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर मेरे भाई बहन जिनके मैदे में गर्मी बन जाती है, उसके बाद पाँव में जलन होती है, जिस्म में जलन होती है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, तो वो इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि उनकी जो है ये बीमारियाँ किस तरीके से ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान का जो है महीना आ रहा है, रहमतों वाला बबरकतों वाला महीना आ रहा है, तो रमज़ान के जो महीने में जो है रात को अफ्तारी के टाइम पे बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं वो मशरूबात का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर उस मशरूबात में आप इस इस्पगोल को जो है सब बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। जब इंसान को कोई बीमारी ही नहीं होगी, तो ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी खुशगवार तरीके से ही गुजरेगी। जो भाई बहन इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको खुदा न खास्ता कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए जिस वजह से वो अपना इलाज ना करवा सके, तो उससे बेहतर ये है कि जो आपके पास घर में मौजूद चीज़ें होती हैं, आप उन्हीं का ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इस जो चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं, इनके भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। इस्पगोल जो है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भाई बहन जो हैं वो कुछ ख़ास तरीके से जो है इसको जो है वो असर नहीं लेते, बस इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इन भाई बहनों को हेपेटाइटिस ए बी सी है, वो भी इसका यूज़ करें। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो हेपेटाइटिस है वो भागते हैं, दोबारा आपको नज़र नहीं आएंगे, आप सोचेंगे कि वो कहाँ चले गए। इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपने एक गिलास पानी, उसमें आपने इसको भिगो के रख देना है। भिगोने के बाद 10-15 मिनट बाद ये फूलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। या आप दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी आपने इसी तरीके से दूध में आपने भिगो के रख देना है, उसके बाद आपने इसका यूज़ करना है। कुछ भाई बहन ऐसे ही खा के ऊपर से पानी पी लेते हैं, जिससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे मैदे में जाकर फूल जाता है, जिस वजह से हमारे कोई चीज़ अगर हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, उससे जो है हमारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो आपको कैसे फ़र्क महसूस होगा। तो इसलिए आपने इसको भिगो के रख देना है। एक तो इसको आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। आपने जो है सुबह जब आप उठते हैं तो खाली पेट आपने इसका यूज़ करना होता है, आपने खा पी के कुछ भी इसका जो है इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि उससे फ़र्क भी नहीं महसूस होता। तो निहार मुँह आप इसका इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपकी बीमारी किस तरीके से जो है वो ख़त्म हुई है। हम लोग खुद घर में ये सारे इस्तेमाल करते हैं, इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। हमें पहले जो है वो बहुत ज़्यादा मैदे में गर्मी रहती थी, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी, लेकिन जब से हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो घर वाले हैं वो सुकून से रहते हैं, उनको कोई परेशानी कोई मसला नहीं है। तो आप लोग भी इसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें इसका जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी भी किस
तरीके से जो है खुशगवार गुजरेगी। कमेंट्स में भी आपने मुझे बताना है कि कौन कौन मेरा भाई बहन जो है वो इस तरीके से यूज़ कर रहा है, कौन कौन से उनकी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, कौन कौन से जो है उनको जो मसले थे उनसे उनको निजात मिली है। दोस्तों ये जो है मोटापे का भी दुश्मन है, ये मोटापे को भी गायब कर देता है, ये बीमारियाँ जो जिसम में बीमारियाँ होती हैं उसको तो मैं कहती हूँ कि भगा ही देता है। बस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। तो मैं इस तरीके से जो है वीडियोस लेकर आती रहती हूँ टिप्स के हवाले से, ब्यूटीज के हवाले से। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लोगों तक भी शेयर करना है ताकि जो मेरे भाई बहन जिनको नहीं पता उनको भी इस चीज़ का पता हो जाए। तो मेरे जो है कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे लाजमी आगाह करना है कि कौन कौन मेरा भाई बहन जो है वो यूज़ कर रहा है और कौन कौन सी बीमारियों से जो है उनको छुटकारा हासिल हुआ है। अल्लाह पाक हर एक भाई बहन को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे, बे औलादों को नेक साहले औलाद दे और दो में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।